धन गुरु नानक देव जी महाराज दे कंठ तो पहला निकलिया ए ब्रह्मनाद जो सिख जगत दे मूल मंत्र करके जानिया जाता है, बुनियादी मंत्र, पहला मंत्र। इस पहले मंत्र दे ईश्वर दे बुनियादी गुणा दा धन गुरु नानक देव जी महाराज ने जिक्र किया। इस मंत्र दी महिमा इहदे जप नाल मनुख वाकई मंत्रमई हो जाता है, ईश्वरी गुण हिरदे विच प्रकाश कर जाते ने और मनुख वाकई मूल मंत्र दा ही रूप बन जाता है। परमात्मा दा मूल गुण उसके सामने साक्षात प्रत्यक्ष हो जाता है। इस मूल मंत्र की व्याख्या धन गुरु नानक देव जी महाराज की दित्ती प्रेरणा मत अनुसार पेश कर रहे हैं। मूल मंत्र आरंभ होता है एक ओंकार गल ते मूल दी गल जद बुनियादी है तो धन गुरु नानक देव जी महाराज दा पहला वाक बुनियादी वाक एक ओंकार। जगत के करीबन तमाम रहबरी पुरुष ये मनते ने कि सृष्टि की उत्पत्ति शब्द तो हुई है, जगत शब्द तो आया है, चाहे वो शब्द लोगोस है ईसा दे मत मुताबिक, चाहे वो शब्द कुन है इस्लामी मत दे मुताबिक, चाहे वो शब्द ओम है सनातनी मत दे मुताबिक, और जैन धर्म ऐसा कहता है वो शब्द ओंकार है। तो पंजाबी दी एक कहावत सौ सियाणे इको मत, वाकई सौ सियाणियां दी एक विचारधारा होगी और विचार नाल सहमति होगी, क्योंकि विचार सच आधारित होगा। सतगुरां दी बाणी भी ऐसा फरमान कर दिए उत्पत परले शब्दे होवे शब्दे ही फिर उपत होवे, ये उत्पत्ति शब्द तो है, सिर्फ उत्पत्ति ही शब्द तो नहीं परले भी शब्द तो है। एक कोई द्वार है जो निकास भी है और दाखला भी है, जो इंट्रेंस भी है एग्जिट भी है, जिसते राहें जगत आया है और जिसते राहें जगत रुखसत होवेगा, ऐसा जो दरवाजा है द्वार है शब्द है। परमात्मा प्रकाश है, गुरु शब्द है, जगत आया है शब्द तो, जगत विलीन होवेगा शब्द तो। ये शब्द की है? ये शब्द ओंकार है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दी विचारधारा जो जाप साहब देच है, आप कहते ने ओंकार आद कथने अनाद, ये अनादि कथने है, ये पहला बोल है, ये मूल बोल है, ये बुनियादी बोल है। भगत कबीर भी कहते ने ओंकार आद में जाना लिखे अर मेटे ताए न माना, मैं इस ओंकार दी धुन नू आद करके जाना है, लिख देइए मेट देइए ओंकार ए नहीं, ओंकारो जिस तो जगत आया है और जिसके राही जगत विलीन होंदा है,
ओंकार उत्पत्ति ते परले दोहां दा आधार है। इसरा ही जगत आया है, इसरा ही जगत रुखसत होवेगा। कोई दूसरी तीसरी धुन नहीं। धन गुरु नानक देव जी महाराज वह भी यही फरमान करते ने, यही एक धुन है। ओंकार एका नाल जोड़ना पिया, एक ओंकार, ओंकार एक है, एक ओ धुनि है, केड़ी ओंकार। और पातशाह दी बकायदा ओंकार दे संबंध विच एक बाणी जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे रामकली दखनी दे च है, जिन्हों दखनी ओंकार करके जानते हैं। उस विच सतगुरु देव जी महाराज फरमान करते ने, ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त, ओंकार किया जनचित, ओंकार सैल जुग भय, ओंकार वेद निर्मय, ओंकार दी धुन तो ही सब कुछ आया। सारा पसारा ओंकार दी धुन तो है, और ये धुन एक है, एक ओंकार, एक ओंकार। ये धुन घंटा नाद दी तरह है, गुंजार पांदी हुई ये धुन है। इसे तो ही जगत आया है। इस वास्ते ये धुन पहली धुन है, ये शब्द पहला शब्द है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का पहला शब्द ओंकार, गुरु नानक दे कंठ तो निकला पहला वाक ओंकार, एका नाल जोड़े है। इस वास्ते यही एक धुन है, दूजी नहीं है, तीजी नहीं है, चौथी नहीं है। इसे एक धुन तो उत्पत्ति हो रही है, पालना हो रही है, नाश हो रही है। यही एक धुन है, यही एक द्वार है, जिस दे राही आवना ते जावना हो रहे। भाव परमात्मा दी अगर कोई धुन है, परमात्मा दी अगर कोई आवाज है, ओंकार। और ये आवाज ब्रह्मंड दे सदीवी गूंज रही है। ठाकुर हमरा सद बोलंता, ओ ठाकुर सदा बोल रहे है। भाव ये धुन सदा गूंज रही है। इसनू इस तरह भी लईए, मां बाप तो ये शरीर आया है, तो शरीर विच मां बाप दी अंश मौजूद है। सारा ब्रह्मंड के शब्द तो आया है, तो ब्रह्मंड विच शब्द मौजूद है। उत्पत परले शब्दे होवे, और वो शब्द की है। गुरु नानक कहंदे ने ओंकार है। गुरु नानक दे दसवें स्वरूप धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी फरमान करते ने, ओंकार आद कथने अनाद। और भगत कबीर भी कहंदे ने, ओंकार आद में जाना, लिखे अर मेठे ताए न माना। किधरे दुबदा ना खड़ी हो जाए, तो गुरु नानक ने एका नाल जोड़ देता है, एक ओंकार। यही एक धुन है, जिस तो उत्पत्ति हो रही है, पालना हो रही है, नाश हो रहे है। एक ओंकार सत्य, वो मिथ नहीं है, सत्य है। वो कल्पना नहीं है, सत्य है। वो केवल तखयल मात्र नहीं है, वो सत्य है, सदीवी है, होंद वाला है, कायम दायम है, सत्य है। जे वो सत्य है, तो फिर वो नामने वाला है, भाव हस्ती वाला है। इसनों इस तरह भी ले सकते हैं, वस्तु दी जान पहचान नाम तो बिना देनी बड़ी औखी। किसी शहर का ज्ञान देना है, पहले नाम दसना पड़ेगा। किसी व्यक्ति बारे कुछ कहना है, उसके नाम का पता होना, उसके नाम का दसना बड़ा लाजमी है। ज्ञान नाम आश्रित है।
बनस्पति दे नाम ने, पशु पक्षियां दे नाम ने, और इस तो इलावा ग्रह नक्षत्रां दे बकायदा नाम ने, बीमारियां दे नाम ने, औषधियां दे नाम ने, मुल्कां दे नाम रखे गए ने, शहरां दे नाम ने, कस्बियां दे नाम ने, सड़कां दे नाम ने, कौमां दे अपने अपने नाम ने, और जितने गुण ने गुणा नूं भी नाम दिता गया है। ये संतोख है, ये सबर है, ये निर्वैरता है, ये निर्भयता है, ये दया है, ये समदृष्टि है। जितने भी गुण ने उन्हों भी बकायदा नाम दिते गए ने, दृश्य अदृश्य जो भी मनुख दी समझ दे आया है मनुख ने नाम दिते ने। नवे तो नवे अविष्कार एक विज्ञानक करता है, लेकिन जिस चीज का भी वह करता है उसनु नाम देता है। बैरूनी जगत देच, बाहर दे जगत देच बहुत सारे नाम विज्ञान दी देन है। संत अपने अंतर आत्मे की खोज करता है, परमात्मा का नवे तो नवा रूप उजागर होता है, नवे तो नवा रस प्राप्त होता है, नवी तो नवी झलक जीवन भर मिलदियां रहिंदियां। तो संत भी उस परमात्मा नू नवे तो नवे नाम देई जांदा है, देई जांदा है, देई जांदा है। और अनंत नाम ने, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, बलहारी जाऊं जेते तेरे नाम है। विज्ञानक अविष्कार करके किसी वस्तु का उसनू नाम देंदा है, असी वो नाम कबूल कर लेने हम। संत अवतारी पुरुष अंतरमुखी होके जब परमात्मा की नवी तो नवी झलक देखता है, प्रतीत करता है, तो जब वो नाम देता है तो धार्मिक जगत विच देखण दे चाहे है नामां दा बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है। विज्ञान की दुनिया नाम जो विज्ञानक ने रखे सारियां नूं कबूल, धर्म जगत विच परमात्मा नूं जो नाम दिता किसे भगत ने, किसे पैगंबर ने, किसे अवतार ने, कई दफा सारियां नूं ओ काबले कबूल नहीं आंदा। लेकिन इतनी गल ते स्पष्ट है कि जो भी पकड़ विच आया है, समझ विच आया है, देखण विच आया है, महसूस होया है, मनुख ने उस नूं नाम दिते ने। जेता कीता तेता नाम, विण नावे ना ही को थाम। व्यक्तियां दे नाम भी मनुख ने रखे ने। बंदियां दी भी पहचान देनी होवे, किसे बंदे दी पहचान लेनी होवे, किसे भी मनुख बारे पुछना है तो पहले नाम उसका दसना लाजमी हो जांदा है। गलियां दे नाम, महल्यां दे नाम, वरस के ऐसा कुछ भी नहीं है जो दृश्यमान होवे ते महसूस होया होवे उन्हों मनुख ने नाम ना दिता होवे। अनंत नाम ने, ये गल वखरी है। सारी बनस्पति दे सानू नाम ना आउंदे होन, पर सारे बनस्पति नू नाम दिते गए ने। इसे तरीके नाल जद कोई नवी बीमारी का जन्म आउंदा है उसनू बकायदा नाम भी जो है दिता जांदा है। बीमारी दी उत्पन्न होंदे ही उन्हों नवा नाम दिता जांदा है, फिर नवियां औषधियां जन्म देंदियां ने, उन्हां नू भी बकायदा नाम दिता जांदा है। क्योंकि नाम तो बिना ज्ञान लेना बड़ा औखा है। परमात्मा मिथ नहीं है, सत है, सदीवी है, होंद वाला है, कायम दायम है। अगर वो सत है तो फिर उसका नाम भी सत है। समय दी रेखा हर चीज का नाम मिटा देंदी है, क्योंकि निशान दे मिटदे हैं काफी समय बाद या उसे वक्त नाम भी मिट जाता है। पहले निशान मिटदा है फिर नाम मिटदा है। पता नहीं इस ब्रह्मंड दे कितने निशान मिट गए, कितने आंदे नाम मिट गए। एक आलम का कहना है, मिटे जिंदगी के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमान कैसे कैसे। इस जमीन दे ऊपर पता नहीं कितने आसमान खप गए, मिट गए, नेस्तो नाबूद हो गए।
जिन्हां दे नामा दियां धुम्मां सन, जिन्हां दा नाम सारी सृष्टि दे जानिया जांदा सी, अज नहीं रहे। निशान दे मिटदियां कुछ समय बाद नाम भी मिट जांदा है। क्यों? जिसनों असी नाम देंदे हां बैरूनी जगत दे, वो सत नहीं है, मिथ है। इस वास्ते वो नाम भी मिथ है। किसी दिन निशान मिटेगा, नाम भी मिट जाएगा। परमात्मा सत है, इस वास्ते उसका नाम भी सत है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, अनंत नाम ने उसते, बेशुमार नाम ने उसते। और गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, क्योंकि परमात्मा नवें तो नवें रूपां चाहुंदा है, तो नवें तो नवें कृत प्रगट होंदी है। इस वास्ते अनेकां उसदे किरतम नाम ने, किरतम नाम कथे तेरे जेबा, सत नाम तेरा परा पूर्वला। कृत तो जो नाम पै जांदा है, भई ये सुनार है, ये लोहार है, ये चमार है, ये ड्राइवर है, ये ज्ञानी है, ये रागी है, ये सब किरतम नाम ने। क्योंकि परमात्मा तो अनंत तरह की कृत हो रही है, बेशुमार नाम दिते गए ने, लेकिन अकिरतम नाम उसका धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने वह सत्य है। इस वास्ते उसका नाम भी सत्य है। कीर्तम नाम कथे तेरे जेबा, सत्य नाम तेरा परा पूर्वला। वो जो एक है वो अंकार है, और जो ओंकार दी धुन है केवल एक ही है, वो सत्य है। क्योंकि ब्रह्मंड दिच गूंज रही है और सदीवी है, वो प्रकाश जिस तो ये धुन आई है सदीवी है, मिथ नहीं है, सत्य है। लिहाजा उसका नाम सत्य है। एक ओंकार सत्य नाम, कर्ता पुरुष कृत नहीं है, करता है। वो किसे दा बनाया होया नहीं है। जिसनों धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस तरह फरमान कर देने, अकृता कृत है, अमृता मृत है, अकृत है। इस वास्ते अमृत है, कोई उसनों मिटा नहीं सकता, अमृतत्व है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान कर देने, नहीं बना सकता उसनों कोई, इस वास्ते नहीं मिटा सकता उसनों कोई। वो जो एक है वो ओंकार है, वो जो ओंकार है सत्य है, वो जो सत्य है वो कृत नहीं करता है। सबको काल सबन को करता, रोग सोग दोखन को हरता। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमान कर रहे हैं, सबदा काल है नाश करण वाला है, और सबदा करता है बनाण वाला है। वो जो बनाण वाला है वो ही मिटाण वाला है, वो जो मिटाण वाला है वो ही बनाण वाला है, कोई दूसरा नहीं, कोई तीसरा नहीं। धार्मिक सच्चाई यही है, जब पता चल जाए वो एक है, और वो प्रगट रूप दे धुन है, प्रकाश है। अनुभव दे जिस दिन आउंदा है प्रकाश ते ए धुन, उस दिन पता चलता है गुरु शब्द है, परमात्मा प्रकाश है। और जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है वही शब्द दे रूप दे गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे गुरु है वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है। वो सत्य है, ओदा नाम सत्य है, ओ जगत दा करता है। पर ऐसा करता अपने कृत तो अलग नहीं है, दूर नहीं है। सुनार ने गहने बनाए, सुनार अपने घर, गहने किसे ने पाए हुए ने। मुसव्वर ने तस्वीर बनाई, तस्वीर किसे दे घर टंगी हुई, मुसव्वर अपने घर बैठा है। कुमार ने घड़े बनाए, घड़े किसे दे घर पहने, कुमार अपने घर बैठा है। लोहार ने तरह तरह के लोहे दीयां चीजां बनाईयां, ये वस्तुआं किसे दे घर ने, लोहार
अपने घर बैठा है, अक्सर करता कृत तो दूर चला जाता है। कई दफा ऐसा भी हो जाता है करता मिट जाता है, कृत बनी रहती है। तस्वीर बहुत दिन बनी रही, मुसव्वर का तो कोई पता ही नहीं। कदों का मिट गया सुनार, गहने तो उसके अजे भी किसी ने पाए हुए ने। लेकिन धार्मिक जगत दे निराली खेड है, करता सदीवी है, कृत मिट जाती है। कृत परिवर्तनशील है, जो बने हैं कल कोई और रूप धारण कर जाएगा, पर करता ते सदीवी एक रस है। करता ते सदीवी ओही है, उसे ही धुन तो ये आवना जावना बनया रहता है। कृत मिट जाती है, करता सदीवी है, पर बैरूनी जगत दे करता पहले मिट जाता है, कृत काफी दिनों तक बनी रहती है। खड़ा है ताजमहल, करता ते पता नहीं कदों का मिट गया। खड़े ने कई बड़े बड़े महल और अजूबे, पर उन्होंने बनाने वाले ते पता नहीं कदों दे मिट गए। ठीक है कृत भी मिटेगी, पर अजय कृत मौजूद है, करते मिट गए। धार्मिक जगत दे ऐसा नहीं होता, कृत मिट जाती है, करता सदीवी है, सदीवी है, कृत सदीवी नहीं। लेकिन फिर भी इस कृत तो करता अलग नहीं है। लहरां बन दिया ने मिट दिया ने, पर लहरां तो सागर वक नहीं है, लहरां दे च भी सागन है। ये बन रही है लहर, विचे सागर है। ये मिट रही है लहर, पर सागर है। ये बनना ते मिटना करते तो अलग नहीं है, करता उन्हां दे च भासता है। तो ऐसा करता है पुरख है, पूरे होया है, पूरी पूरी बसंता सा पुरखा। जो पूरे होया है, व्यापक है, अपनी कृत तो अलग नहीं है, बस वो पुरख है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते फरमान कर रहे हैं, करते दा चिंतन करो, कृत दा की चिंतन करना, जो देखदियां देखदियां मिट जांदी। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमान करते हैं कि हे प्राणी, तू करते दा चिंतन कर, कृत नूं सिर्फ वेख। कृत सिर्फ वेखण लई है, ते करता चिंतन करण लई है। लेकिन गल अनोखी हो जाती है, केवल कर्म भरम से चीनो, धर्म कर्म अनरागो। बिन करतार न किरतम मानो, बिन करतार न किरतम मानो। किरतम नू करतार ना मनो, करतार नू करतार मनो, कृत नू कृत मनो। पर जे कृत नू करतार मन लिया, तो कृत ते देखदियां देखदियां विलीन हो जांदी है। ओ करता है, अपनी कृत तो अलग नहीं है। सागर नू करता मन लईए लहरां दा, तो लहरां तो अड सागर नहीं है। संसार निरंकार तो अड नहीं है, ए जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास। फिर भी ए कोठड़ी रूप बदलती रहती है, जगत रूप बदलता रहता है। इस वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज केवल करते दा चिंतन दसते ने। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने, करते दा चिंतन करो, बिन करतार न किरतम मानो। ओ जो एक है, ओ अंकार दी धुन है, उसे ते उत्पत्ति पालना नाश हो रहे है। और ओ सत है, मिथ नहीं, ओ नामने वाला है, सत नाम है। ओ करता है
और अपने कृत देच पूरे होया है। इत्थे तक परमात्मा दी होंद नूं दर्शाया है धन गुरु नानक देव जी महाराज ने। अगे चल के गुरु नानक देव जी महाराज उस एक दे सुभाव दा वर्णन करदे ने। स्वरूप ते सुभाव, परमात्मा दा स्वरूप ओ ओंकार नाद है, ओ सत है, ओ नाम वाला है, ओ करता है, ओ पूरे होया है। स्वरूप स्वभाव, उसका जो स्वभाव है धन गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे ने निर्भव निर्वैर, उसके स्वभाव दिच भय नहीं है। वास्तविक जी किधरे देखा जाए भयभीत मनुख का विकास रुक जाता है, पर परमात्मा तो हर वक्त विकास हो रहा है। ब्रह्म दे अकरी अर्थ भी ने फैल रहे है, फैल रहे है, फैल रहे है। क्यों? निर्भय है। भय अपने तो वड्डे दा हुंदा है, तो उस तो वड्डा कोई नहीं है। भय ना सोण दा हुंदा है, वह सदीवी है। भय कमजोर होण दा है, वह सर्वशक्तिमान और अमर शक्ति है। इस वास्ते उसके स्वभाव दे भय नहीं है। उस निर्भव दे जप नाल ही मनुख निर्भय हो सकता।